बन्ना गुप्ता के रहते और हेमंत सोरेन के रहते कोई डॉक्टर का कोई बाल दाखा नहीं करेगा, ये विश्वास रखिए। बन्ना गुप्ता जब तक है चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे जाना जाता है। चिकित्सक जब तक हमारे जो है खुश नहीं होंगे तब तक हम राज के मरीजों के चेहरे खिलखिलाते हुए नहीं देख सकते हैं। चिकित्सकगण है वो बिना रुके तन मन से मरीजों की सेवा में लगे रहे। चिकित्सकों के साथ जो मारपीट के जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा कर जल्द से जल्द सजा दी जाए। हम पति पत्नी हैं जो कि एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के एक बार मैं ड्यूटी करने जाता था, जब मैं क्वारंटाइन होकर आता था तब इनकी ड्यूटी लगती थी, फिर ये क्वारंटाइन होकर आती थी तब मेरी ड्यूटी लगती थी। कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल डॉक्टर तन मन से दिन रात लोगों की सेवा में जुटे रहे। घर में क्वारंटाइन मरीजों को भी ऑनलाइन सलाह सुझाव दिया और उनका इलाज तक किया। डॉक्टरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा, डॉक्टरों पर हमला राज्य सरकार के मान सम्मान पर चोट करना है। हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता के रहते किसी डॉक्टर का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जब तक डॉक्टर खुश नहीं रहेंगे मरीजों के चेहरे पर खिलखिलाहट नहीं दिख सकती। जरूरी है कि डॉक्टरों के समर्पण को देखते हुए उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। वहीं जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस आपदा में जान की बाजी लगा काम करने वाले डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव तक किया। महिला चिकित्सकों तक को नहीं बख्शा गया। मौका था झारखंड ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित कोरोना सम्मान समारोह का। इस समारोह में 45 नेत्र चिकित्सकों को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिला। वार्षिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के मंजुल पंत बेस्ट वीडियो सत्र के विजेता डॉक्टर राहुल प्रसाद को गोल्ड मेडल दिया गया। डॉक्टर वीएस गुप्ता बेस्ट फ्री पेपर के लिए डॉक्टर विभूति कश्यप को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते शहीद हुए डॉक्टर कृष्ण मुरारी शाह, डॉक्टर सुजीत कुमार पाल और डॉक्टर चंद्रिका किशोर ठाकुर के परिजनों को शॉल और मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि के रूप में आईएमए झारखंड के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर बीपी कश्यप, रिम्स नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता और आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू सिंह मौजूद थे। देखिए क्या बोले हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, डॉक्टर भारती कश्यप और अन्य डॉक्टर। राज्य सरकार के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर राज्य सरकार को ये विश्वास दिलाया, इस आपदा और विपदा की घड़ी में हम आपके साथ कदम से कदम मिलकर चलेंगे। यदि चिकित्सकों के मन में भय व्याप्त होता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार का एक दायित्व है कि उनके मन के भय को और उनके मान प्रतिष्ठा को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया जाए। इसलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात होती है, मैंने कई राज्यों का अध्ययन किया, ये पाया है कि यदि हमारे चिकित्सकों के मान सम्मान पर या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उस संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, 3 साल तक उसको जो है कानून के द्वारा उसको सजा दिया जा सकता है और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस के रूप में जाना जाता है और इसमें 50,000 रुपया का जुर्माना भी फिक्स किया गया है और साथ ही साथ यदि संस्थागत यदि कोई सामान का नुकसान होता है या संस्था का नुकसान होता है चाहे उसका दुगना पैसा जो है वो उससे नुकसान करने वाले व्यक्ति से लिया जाएगा। और मैं आपको जरूर ये विश्वास देता हूँ कि मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्री हूँ कोई भी हमारे चिकित्सकों पर हमला यदि करेगा तो हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चिकित्सकों पर हमला करने का मतलब है कि वो राज्य सरकार की मान प्रतिष्ठा के साथ हमला कर रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा आज भी कहता हूँ कि बन्ना गुप्ता जब तक है चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे जाना जाता है और चिकित्सकों के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी चिकित्सक जब तक हमारे जो है खुश नहीं होंगे तब तक हम राज के मरीजों के चेहरे खिलखिलाते हुए नहीं देख सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बन्ना गुप्ता के रहते और हेमंत सोरेन के रहते कोई डॉक्टर का कोई बाल दाखा नहीं करेगा, ये विश्वास रखिए।
इस वैश्विक संकट के दौरान पूरी दुनिया के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी जहां अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा 2020 से कर रहे हैं, वही समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया है। यहां तक कि महिला चिकित्सकों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया है और यह बात सभी लोग जानते हैं। फिर भी जो चिकित्सकगण हैं वो बिना रुके तन मन से मरीजों की सेवा में लगे रहे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों को, चिकित्सा कर्मियों को और चिकित्सा संस्थानों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाया जाए जैसा कि दूसरे राज्यों में है, और चिकित्सकों के साथ जो मारपीट के जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा कर जल्द से जल्द सजा दी जाए। हम पति पत्नी हैं जो कि एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के एक बार मैं ड्यूटी करने जाता था, जब मैं क्वारंटाइन होकर आता था तब इनकी ड्यूटी लगती थी, फिर ये क्वारंटाइन होकर आती थी तब मेरी ड्यूटी लगती थी। कोरोना काल में सब कोई डरे हुए थे पर आप लगे हुए थे उसी जज्बे से, तो आपको डर नहीं लगा और कैसे आपने इस चैलेंजेस को फेस किया? डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि उस समय कुछ भी कोरोना के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जानलेवा बीमारी है। तभी मैंने बोला कि नहीं, मैं समाज सेवा के लिए मैंने मेडिकल लाइन चुना है, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो फिर समाज का सेवा कौन करेगा? मानव सेवा से अच्छा सेवा कुछ भी नहीं है। कितना भी डर लगे लेकिन ऊपर वाला सबको बचाता है, अगर आपका सेवा भाव रहेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ये मैंने सीखा। और पारिवारिक जिम्मेवारी तो थी लेकिन फ़र्ज के आगे हमारे बच्चे हस्बैंड सब ने ये कहा कि नहीं, आपका कर्म जो है वो प्रायोरिटी जब आ जाता है तो फिर हम ना बच्चे घबराए ना हस्बैंड घबराए, अंदर से थोड़ी घबराहट तो थी बट बहुत अच्छा रहा और काफ़ी मैनेजमेंट का हमारा सपोर्ट रहा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, तो सब अच्छे से हो गया। सर क्या कि इसमें आपका मेंटल प्रेशर को भी डील कर रहे थे, पेशेंट को भी डील कर रहे थे, तो कैसे चैलेंजेस थे क्योंकि फैमिली भी थी, कर्तव्य भी था, तो कैसे चैलेंजेस थे? जी हाँ बिल्कुल, एकदम सही आपने बताया। और उस वक्त का सबसे बड़ा हम लोगों के लिए कहें चिंता की बात ये थी कि एक तरफ जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका उपचार करना है, दूसरे तरफ ये भी ख्याल रखना है कि हम भी बीमार ना हों और हमारी फैमिली भी बीमार ना हो। पर जब ड्यूटी आ जाती है तो शायद कुछ बातों को हम लोगों को पीछे रखना होता है और जो सबसे सामने है जो मरीज का हित था वो हम लोगों ने सामने रखा और इस बात को हम लोगों ने आगे संभाला। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन रुद्र रंजीत के साथ भावना ठाकुर और नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।